एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी थेवेनियन थ्योरम की। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं नॉर्टन थ्योरम की। देखिए, नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट यह कहता है कि इस थ्योरम के द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस इक्विवेलेंट सर्किट में केवल और केवल एक करंट सोर्स होगा, साथ ही एक पैरेलल इम्पीडेंस होगी जो कि लोड के पैरेलल में कनेक्ट होती है। हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को फर्दर हम इस डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेनली जो नॉर्टन थ्योरम है यह थेवेनियन थ्योरम का रेसिप्रोकल होता है। देखिए, थेवेनियन थ्योरम में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि किसी भी लीनियर सर्किट को हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स जिसके की सीरीज में एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या ZTH कनेक्ट होता है, जिसके साथ में हम एक लोड इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं, ये एक थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट होता है, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं ZEQ, ZTH, EEQ और ZL, और ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। बट नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट यह कहता है कि इस थ्योरम के द्वारा हम इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। इस केस में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि द करंट आई एन ऑफ द करंट सोर्स इज इक्वल टू द करंट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर शॉर्टिंग द टर्मिनल ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने जो थेवेनिन सर्किट में जहाँ पर हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स था, वहीं हमारे पास में नॉर्टन थ्योरम में एक करंट सोर्स होता है। यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और लोड इम्पीडेंस यहाँ पे वन और टू टर्मिनल पे आउटपुट टर्मिनल्स पर हम देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स के इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया है। हम यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस और इम्पीडेंसेस से बने हुए एक टू टर्मिनल नेटवर्क के लिए IEQ करंट ऑप्टेन करने वाले और उसके पैरेलल में कनेक्टेड ZEQ के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। अब बात आती है कि हम यहाँ पे IEQ को कैसे और ZEQ को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, IEQ का जो मान होता है वो सर्किट के दोनों लोड टर्मिनल्स को जब हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, मैंने पहले भी बताया था शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि यहाँ से हम इन ZL को हटा दें, ZL की वैल्यू जीरो हो जाए और इन दोनों टर्मिनल को वन और टू को आपस में जोड़ दें, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो IEQ की वैल्यू क्या होगी कि जब हम इन दोनों वन टू टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दें, उस केस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू IEQ इक्वल होगी, और ZEQ की वैल्यू होगी कि जब हम इन्हीं दो टर्मिनलों के मध्य शंट इम्पीडेंस को मेजर करें, तब कि जब हमने यहाँ पे सारे सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस के द्वारा रिप्लेस कर दिया हो। तो देखिए, अब हम आगे नॉर्टन थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। सो मेनली यह होगा कि यहाँ पे जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के इक्वल वेरीफाई करेंगे, जिसमें हमने यह बोला है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें हम यहाँ पे करंट सोर्स ले रहे हैं और ZEQ को सीरीज की बजाय हम यहाँ पे पैरेलल में लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो फिगर सी है, इस फिगर सी में पी क्यू आर एस पी लूप में हमने KVL लगाया। जब हम यहाँ पे KVL लगाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट एंड दैट विल बी इज इक्वल टू द I into the ZEQ plus ZL, क्योंकि ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, so I into the ZEQ plus ZL that will be equals to the E into the EQ। यहाँ से हमने इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, एंड दैट I इज इक्वल टू दी EEQ अपॉन ZEQ plus ZL। आगे, अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर हमें यहाँ पे IEQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उस केस में मैंने आपको बताया था कि हम वन और टू टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि हम यहाँ पे ZL की वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर दें। तो जब हम यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन में जब हम ZL की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं, तो उस केस में हमें शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको I इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, एंड इट्स वैल्यू विल बी इज इक्वल टू दी EEQ अपॉन ZEQ। अब आगे हम KVL अप्लाई कर रहे हैं फिगर नंबर डी में। तो देखिए, अब हमारा जो टारगेट है इस सर्किट को और इस सर्किट यानी सी और डी दोनों फिगर को इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आई है जो कि लोड इम्पीडेंस ZL में से फ्लो हो रही है, उसको हम दोनों सर्किट के लिए इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो हमारा यह सर्किट इक्विवेलेंट हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे फिगर डी के लिए हमने जब केवीएल अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं IEQ, ZEQ और ZL तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल ऑर्डर में हैं। तो इस केस में देखिए आई दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द ABCD ए लूप। सो जब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं केवीएल को तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे दैट आई इनटू द ZEQ और IEQ इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सो इसको माइनस कंसिडर करेंगे। सो माइनस ऑफ IEQ इनटू द ZEQ प्लस आई इनटू द ZL दैट इज इक्वल टू द जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई EMF सोर्स नहीं है। अब ये हमारा कौन सा सोर्स हो गया है, कॉन्स्टेंट करंट सोर्स हो गया है। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास में आई के लिए एक एक्सप्रेशन आता है जो कि हम इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज द ZEQ इनटू द IEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 से IEQ की वैल्यू पुट करते हैं और IEQ की वैल्यू थी EEQ अपॉन ZEQ, तो हमारे पास में एक I का एक्सप्रेशन आता है दैट इज द EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। देखिए अभी हमने जो ये I की वैल्यू निकाली है ये हमने फिगर D के लिए कैलकुलेट करी है, और अभी हम जब पहले ऊपर हमने फिगर C के लिए I की वैल्यू निकाली थी तो भी ये इक्वेशन आई थी EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फिगर के लिए जब हमने I की वैल्यू को फाइंड आउट किया और ये I की वैल्यू क्या है, ZL में से फ्लो होने वाली करंट, दोनों केसेस में हमें इक्वल मिल रही है, तो हम यहां से यह कहते हैं कि जो नॉर्टन थ्योरम है दैट इज वेरीफाइड। अब देखिए आगे हम यहाँ पे थेविनियन थ्योरम को यूज में लेते हुए जो ZL है उसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ZL के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना होगा तो हम सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, I इनटू द ZL के इक्वल होगा। अब जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 6 में यूज किया, ऊपर हमने I की वैल्यू फाइंड आउट की थी और वो I की वैल्यू थी EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। हमने जब वहां से इक्वेशन नंबर 6 में I की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास में VL की वैल्यू आ गई है। देखो अब हमें यहाँ पे ZL में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालनी है, और ZL में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या है, I, दैट इज द VL अपॉन ZL। तो हमने यहाँ से ZL में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने जब VL की वैल्यू उसमें पुट की तो हमारे पास में एक I के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आता है। फर्दर हमने यहाँ पे क्या किया है, EEQ को ZEQ के टर्म में रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास में यहाँ पे I के लिए एक एक्सप्रेशन आया है। आगे जब हमने इस इक्वेशन नंबर 10 को ZEQ और ZL के मल्टीप्लाई से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में जब हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखिए हमारी इक्वेशन आती है 11 के फॉर्मेट में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए ZL यानी कि लोड इम्पीडेंस में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मिली है। अब वो वैल्यू हमें किस टर्म में मिली है, यहाँ पे हमारे पास में कॉन्स्टेंट करंट सोर्स है दैट इज द IEQ, लोड इम्पीडेंस है ZL और यहाँ पे हमारी इम्पीडेंस है दैट इज द ZEQ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए ZL और IEQ के टर्म्स में हमने ZL में से फ्लो होने वाले करंट के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। फर्दर आगे अगर हमें एडमिटेंस फाइंड आउट करनी है तो हम जानते हैं कि एडमिटेंस प्रवेशयता जो होती है वो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। सो YL इज इक्वल टू द 1/ZL और YEQ इज इक्वल टू द 1/ZEQ। उस केस में हम इन इक्वेशन नंबर 11 को Y के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस केस में I की वैल्यू होगी IEQ इनटू द YL डिवाइडेड बाय YL प्लस YEQ। यहाँ तो अभी हमने मेनली नॉर्टन थ्योरम को वेरीफाई किया है और साथ ही ZL में से फ्लो होने वाली करंट के लिए हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है IEQ और ZL की टर्म में। आगे हम बात कर रहे हैं इस नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जिसमें पहला फैक्ट ये कहा जाता है कि विभिन्न स्रोतों और प्रतिबाधाओं से युक्त द्वि टर्मिनल सम्मिश्र जाल को हम IEQ धारा प्रदान करने वाले धारा जनित्र और इसके समांतर क्रम में संबद्ध प्रतिबाधा ZEQ के तुल्य मानते हैं। कि किसी भी कोई भी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे सोर्सेज हो और इम्पीडेंसेज हो, उस सर्किट को हम एक IEQ करंट जनरेट करने वाले करंट सोर्स और उसके पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड इम्पीडेंस ZEQ के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। और सेकेंड फैक्ट यह कहा जाता है कि हमने यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम को वेरीफाई किया है थेविनियन थ्योरम का यूज में लेते हुए। अब हम आगे इसके प्रैक्टिकल पर्पस की बात कर रहे हैं कि अभी तो हमने इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया है,
इस नॉर्टन थ्योरम को किसी भी प्रैक्टिकल सर्किट के लिए जब हम इसको एनालिसिस के लिए यूज में लेते हैं तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और इन स्टेप्स को फॉलो हम करेंगे जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड नेसेसरी स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट इन लोड इम्पीडेंस ZL और RL। सो सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमें नॉर्टन करंट सोर्स IE की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, और इस IE की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए, IE की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए पहला हमारा काम क्या होगा कि ये जो ZL होता है, लोड इम्पीडेंस होता है, हम इसको हटा दें। हटाने का मतलब ZL की वैल्यू को जीरो कर दें, और जीरो करने का मतलब क्या हो गया, इस 1 और 2 टर्मिनल को हम आपस में सीधे ही जोड़ दें। जब हम इसको सीधे जोड़ते हैं तो उस केस में यहां से जो करंट फ्लो होती है उसको हम कहते हैं IEQ। पहला स्टेप था जिसमें हमने IEQ की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब आगे हम बात कर रहे हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस REQ या फिर ZEQ। मैं ये पहले भी बता चुकी हूं कि कब हम ZEQ निकालेंगे और कब हम REQ निकालेंगे। जब हमारे पास में AC सोर्स होता है तो हम इम्पीडेंस की बात करते हैं, और जब हमारे पास में DC सोर्स होता है तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में DC सोर्स होगा तो हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। वो नॉर्टन रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे सर्किट में जो भी सोर्सेज हैं, जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, हम उनको हटा दें। हटा दिया हमने इनको। जब हम इनको हटा दें और आउटपुट टर्मिनल्स को खुला रख के हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, उस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा, दैट रेजिस्टेंस विल बी नोन एज द नॉर्टन रेजिस्टेंस और REQ। हमने यहाँ पे पहले IEQ निकाला, उसके बाद में REQ और ZEQ निकालेंगे। फिर थर्ड स्टेप होगा हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमारा मेन टारगेट ये होता है कि सबसे पहले हम REQ या ZEQ के पैरेलल में एक करंट सोर्स जो कि IEQ होता है उसे हम कनेक्ट करते हैं, और फिर इस इक्विवेलेंट सर्किट के आउटपुट टर्मिनल्स के हम यहाँ पे लोड इम्पीडेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया है जिनके द्वारा हम एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नॉर्टन थ्योरम और थेवेनियन थ्योरम में मेन डिफरेंस की। देखिए, नॉर्टन थ्योरम और थेवेनियन थ्योरम में मेन डिफरेंस क्या होता है। थेवेनियन थ्योरम में हम वोल्टेज सोर्स यूज में लेते हैं, थेवेनियन थ्योरम में हम वोल्टेज सोर्स यूज में लेते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्टन थ्योरम में करंट सोर्स यूज में लिया जाता है। थेवेनियन थ्योरम में जहां हम वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम रेजिस्टेंस या इंपीडेंस कनेक्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्टन थ्योरम में हम करंट सोर्स के पैरेलल में सोर्स रेजिस्टेंस और इंपीडेंस कनेक्ट करते हैं। थेवेनियन थ्योरम में हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं EEQ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम में शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंट किया है थेवेनियन थ्योरम का, जिसमें हमारे पास में यह है एक वोल्टेज सोर्स है जिसके सीरीज में हमने ZEQ या REQ, जिसको हम ZTH या RTH भी कहते हैं, वो कनेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास में 1 और 2 टर्मिनल पर लोड होगा जिसको हमने लोड इम्पीडेंस ZL से कनेक्ट करना है। तो वहीं दूसरी ओर जब हम नॉर्टन थ्योरम को डिस्कस करते हैं तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पे करंट सोर्स होता है, एंड दैट करंट सोर्स इज डेजिग्नेटेड बाय द IEQ, और इस करंट सोर्स के पैरेलल में एक इम्पीडेंस होती है ZEQ, जिसको REQ भी हम कह सकते हैं, और इसके आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं 1 और 2 जिन पर हम लोड इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे इस नॉर्टन थ्योरम को एक प्रॉब्लम के द्वारा डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉ अ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड करंट आई थ्रू RL। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, और इस सर्किट डायग्राम के लिए आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, साथ ही आपको लोड करंट आई की वैल्यू निकालनी है जो कि RL में से फ्लो हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिगर में हमारे पास में 3 रेजिस्टेंसेज है, R1, R2 और R3, साथ ही हमारे पास में यहाँ पे एक सोर्स है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। लोड रेजिस्टेंस दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1.6 ओम। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमें यहाँ पे RR निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है। देखिए, इस R की इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसमें
आर एल में से यहाँ पे जो करंट आई फ्लो, जहां पे मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसमें फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू निकालनी है। और उस आई की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, जब हम वन और टू को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वन और टू को शॉर्ट सर्किट करने का मीनिंग है कि हम आर एल की वैल्यू को जीरो कर दें। तो जब हम यहाँ पे आर एल की वैल्यू को जीरो के इक्वल करते हैं, तो उस केस में हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पहले। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये रेजिस्टेंस है इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 और ये 0.3, यानी आर वन और स्मॉल आर दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो इन दोनों को तो हम ऐड कर देंगे और ये दोनों सीरीज में है और यहाँ पे आर टू और आर थ्री आप देख सकते हैं पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है। जब करंट डिवाइड होती है तो हमारे पास में पैरेलल ऑर्डर मिलता है कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे ये दोनों R2 और R3 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R2 into R3 upon R2 plus R3 और ये दोनों सीरीज में है R1 plus small r के। तो यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस निकाला। अब क्योंकि हमें यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी है, तो I के लिए फॉर्मूला क्या होगा, E upon R plus R। यहाँ पे हमारे पास में E बैटरी का EMF है और R यहाँ पे हमने इसका रेजिस्टेंस निकाला है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला है, परिणामी प्रतिरोध। तो यहाँ पे जब हमने E की वैल्यू को पुट किया, आर आर की वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास में यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू आती है, जो कि आर एल में से फ्लो हो रही है। पहला हमने काम सबसे पहले यह किया, उसके बाद में हमें निकालना है आर ई क्यू। देखिए आर ई क्यू निकालने के लिए हमने कहा था कि हम यहाँ से ई एम एफ को या बैटरी सोर्स को हटा देते हैं। बैटरी सोर्स को हटाने का मतलब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यहाँ पे मैंने इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया है, जिसमें हमने ई एम एफ सोर्स को हटा दिया है, बट क्योंकि ई एम एफ सोर्स का कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड दैट विल बी कंसिडर्ड इन दिस सर्किट। सो इन दैट केस जब हम यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो देखिए हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है, आर ई क्यू। और आर ई क्यू निकालेंगे, सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया और आउटपुट टर्मिनल्स पर रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो देखिए इस अरेंजमेंट में यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी द आर इक्विवेलेंट। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर वन दोनों में सेम करंट फ्लो होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज ऑर्डर में है, ठीक है। और ये सीरीज ऑर्डर पैरेलल में किसके हैं, आर थ्री के, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला तो हम स्मॉल आर और आर वन जो कि आर थ्री के पैरेलल में है, तो इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 जैसे हम लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा स्मॉल आर प्लस आर वन इंटू आर थ्री अपॉन स्मॉल आर प्लस आर वन प्लस आर थ्री। अब ये सीरीज में है आर टू के, तो हमने यहाँ से वैल्यू पुट की, तो हमारे पास में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, हमारे पास में R इक्विवेलेंट आ गया है, I आ गया है। अब हमें निकालनी है I इक्विवेलेंट की वैल्यू, और I इक्विवेलेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, जब हम KVL लगाते हैं। अब KVL हमने कहाँ लगाया था, यहाँ पे इस वाले स्लूप के अंदर। तो जब हम यहाँ पे KVL लगाएंगे तो हमारे पास में आई इक्यू की वैल्यू आती है आई इंटू दी आर थ्री अपॉन आर टू प्लस आर थ्री। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में आई इक्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे लोड में से फ्लो होने वाली करंट आई एल की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला हम अभी ऊपर डिराइव किया था, वहां से जब हमने वैल्यूज पुट की तो आई एल की वैल्यू आती है। और इन सब वैल्यूज के द्वारा जब हम एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आई ई क्यू जो कि हमारा एक करंट सोर्स है, उसकी वैल्यू है 15 एम्पियर, आर ई क्यू जिसकी वैल्यू है 0.4 ओम, और ये है लोड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 1.6 ओम, और इसमें से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस किया है नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट को, साथ ही हमने उसको वेरीफाई किया है, नॉर्टन थ्योरम और थेविनियन थ्योरम दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने डिस्कस किया है, और किस इनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं उनकी बात करी है, साथ ही हमने लास्ट में डिस्कस की है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।